मलेरिया और डेंगू के बाद सेल्फी वायरस ने भी लोगों की जानें निकलना शुरू कर दी हैं। सेल्फी वायरस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस सेल्फी लोगों की जानों पे जाने ले रही है। मायरा, टास्क फोर्स के जिन मेंबर्स को हमने मीटिंग के लिए बुलाया है, क्या वो आ चुके हैं? जी सर। लेट्स मूव देन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जेंटलमैन, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। डॉक्टर शहबाज, जिस रिपोर्ट पे मैंने आपको काम करने के लिए कहा था, उस पे आपने कितना काम किया है? जी सर, मैंने सेल्फी वायरस पर बहुत रिसर्च की है और मेरी रिसर्च के मुताबिक ये वायरस इंसान के डीएनए में पहले से मौजूद था, तो जब ये मोबाइल फोन दरियाफ्त हुए तो ये एक्टिवेट हो गया। वैसे कीड़ों की तो बहुत सी इकसाम होती है, लेकिन ये सेल्फी का कीड़ा ना, जिसमें हो उसकी एक अलग ही पहचान होती है। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैंने इस पर स्टडी की तो मुझे मालूम हुआ कि इस मर्ज के शिकार अफराद अपने आप को चाहते हुए भी नहीं बचा सकते। प्रोफेसर चांडियो साहब, आपकी क्या राय है इस कीड़े के बारे में? सर, मैं तो कहता हूँ एक कानून पास किया जाए, जो भी सेल्फी लेगा उसका अंगूठा काट देते हैं। गुड आइडिया। क्यों डॉक्टर शहबाज, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि हमें उन तमाम जगहों पे जहाँ पे सेल्फी ली जा सकती है, मतलब ऊंचे पहाड़, लंबी बिल्डिंगें और ऐसी तमाम जगह जहाँ पे सेल्फी ले जा सकती है, वहाँ पे हमें से नो टू सेल्फी का बोर्ड लगा देना चाहिए। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जिस जगह लोगों ने सेल्फी नहीं भी लेनी, लोग वहाँ भी सेल्फी लें? मतलब? अरे, जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड होता है, लोग वहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं, और जिस जगह लिखा हो कि कचरा फेंकना मना है, लोग वहीं पे कचरा फेंकते हैं, और जहां लिखा हो ना कि थूकना मना है, लोग वहीं पे पिचकारी मार देते हैं। वाह वाह, सही, वाह वाह, वाह, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। होम मिनिस्टर। हेलो, कहाँ हो तुम? इतना टाइम हो गया, अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे? जी, मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। यहाँ पे हम लोगों की जानें बचा रहे हैं। तुम लोगों की जानें बचा रहे हो? यहाँ मेरी जान निकली पड़ी है। हो गए तुम उसी मोंगी कलमुही सेक्रेटरी के साथ? मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। मैं कैसे मान लूँ? सबूत दो मुझे। सबूत? अच्छा, ये सही, अभी भेज दो सेल्फी उसे, उसे यकीन हो जाएगा कि। अरे क्या हो गया, तुम लोगों को क्यों सांप सूंघ गया? बॉस, आप भी सेल्फी वायरस का शिकार हैं। अरे कौन है जो इस वायरस का शिकार नहीं, और जो कहता है ना कि मेरे अंदर ये कीड़ा नहीं, मोबाइल का कैमरा खुलते ही वो साला सबसे पहले कैमरे के आगे आता है। अगर आज ये सेल्फी ना होती ना, तो मेरी बीवी मुझे गोली मार देती। वो तो इतनी शकी मजाज है, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करती। और सर, जो सेल्फी लोगों की इतनी जाने ले रही है? जहाँ सेल्फी जाने लेती है, वहाँ जाने बचाती भी तो है। ये देखो ना, अभी तुम्हारे सामने मेरी जान बच गई ना। इस प्रोजेक्ट को यहीं पे क्लोज कर दो। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके साथ साथ हम सब आपके इस फैसले पर एग्री करेंगे। लेट्स टेक अ सेल्फी। श्योर, व्हाई नॉट। अरे, आज हम लोग चले थे सेल्फी पे पाबंदी लगाने, सेल्फी ने तो आज मेरी जान बचा ली, वरना तो आज बेगम ने ना मुझे गोली मार देनी थी। बेगम, बेगम, यार कहाँ हो? आज ऑफिस में बहुत मसरूफियत थी।
जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आओ। खाने के लिए तो मैं लाई हूँ, और तुम्हारी थकन बता रही है कि तुम ऑफिस में बहुत मसरूफ थे। हाँ मसरूफ तो बहुत था मैं। और अब इस मसरूफियत से छुटकारा दिलाने का वक्त आ गया है। क्या मतलब? अरे 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 मजाक में चल जाती है, गुस्से में भी चल जाती है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। नाज़रीन आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले, सेल्फी वायरस ने एक और जान ले ली। मजीद एंटरटेनमेंट वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स के लिए आइबेक्स मीडिया हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।